टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। दोस्तों, इंडिया पे जो है फ्री फायर परमानेंटली बैंड हो चुका है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, फ्री फायर ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होशियारी के साथ काम किया है और बहुत ही ज़्यादा टेक्निक का इस्तेमाल किया है फ्री फायर मैक्स पे। अगर मैं आपको कहूँ कि फ्री फायर जो है इंडिया पे बैंड नहीं हुआ है तो आप नहीं मानेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि फ्री फायर जो है इंडिया पे बैंड नहीं हुआ है। तो वीडियो में दोस्तों जो है आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखना। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजिकल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से फ्री फायर आया है तो हम उस टाइम से ही खेलते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फ्री फायर जो मैक्स है वो कुछ दिन पहले ही जो है फ्री फायर ने लॉन्च किया है फ्री फायर मैक्स को। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली जो है फ्री फायर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया। और दोस्तों, बैन करने के बाद फ्री फायर जो है गरीना के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया। कोई भी ऐसा ट्विटर हैंडल नहीं है गरीना फ्री फायर का जहाँ पर उन्होंने कहा कि फ्री फायर जो है इंडिया पर बैन हो गया। फ्री फायर ने ये नहीं कहा। और कोई भी फ्री फायर का जो फेसबुक है, फेसबुक पे भी जो है फ्री फायर ने ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल, टेक यूट्यूबर जो है सभी ने जो है इस चीज़ को अपडेट किया कि फ्री फायर जो है इंडिया पे बैंड हो गया। लेकिन फ्री फायर की ओर से ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। और लेकिन यहाँ पर दोस्तों, फ्री फायर ने यह बहुत ही ज़्यादा टेक्निक का इस्तेमाल किया कि जो फ्री फायर बैंड हुआ है उसी फ्री फायर को फ्री फायर मैक्स पे जो है शिफ्ट कर दिया। और दोस्तों, हमें ये पता भी नहीं चला कि फ्री फायर को फ्री फायर मैक्स पे जो है शिफ्ट कर दिया। अब पहले यूज़र्स को जो है थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि आप गेम कैसे खेलेंगे और फ्री फायर जो है बैंड हो गया। लेकिन उम्मीद ये था कि सबके पास फ्री फायर मैक्स अवेलेबल है। और भी एक मज़ेदार चीज़ जो है यहाँ पे गरीना इंटरनेशनल ने किया कि अगर आप चाहें तो आप जो है फ्री फायर मैक्स को फ्री फायर में आप शिफ्ट करके खेल सकते हैं। अब दोस्तों, कैसे आप जो है शिफ्ट हो सकते हैं ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, फ्री फायर तो अभी अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर पे, तो आप फ्री फायर मैक्स ही डाउनलोड करेंगे। तो आप फ्री फायर मैक्स को डाउनलोड करने के बाद जब आप सेटिंग पे जाएंगे तो नीचे आपको दिखेगा कि FF मैक्स करके जो है एक ऑप्शन है। तो वहाँ पे जाने के बाद आप जो है सभी ऑप्शन को ऑफ कर दो। ठीक है, ऑफ करने के बाद आप गेम से बाहर निकल आओ और क्लियर करके गेम को फिर से रिस्टार्ट करो। रिस्टार्ट करने के बाद आप देखोगे कि आपका जो पुराना फ्री फायर है वो आ चुका है। और अगर आप चाहे तो आप फिर से सेटिंग पे जाके आप FF मैक्स पे जाने के बाद आप सभी ऑप्शन को जो है ऑन कर दो और फिर से गेम को रिस्टार्ट करो तो आप देखोगे कि आपका जो है फ्री फायर मैक्स आ गया। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है फ्री फायर ने, गरीना इंटरनेशनल ने जो है बहुत ही दिमाग के साथ ये काम किया और यूज़र्स को ये पता भी नहीं चला कि फ्री फायर बैंड हुआ है और कोई भी इफेक्ट नहीं आया यूज़र्स के ऊपर, टेंशन नहीं हुआ और सब कुछ जो है फ्री फायर ने कंट्रोल पे ले लिया और एक साथ सबको कर दिया। फ्री फायर को भी और फ्री फायर मैक्स को एक ही जगह पे ले लिया। अगर आप चाहे तो फ्री फायर को फ्री फायर की तरह खेल सकते हैं। और अगर आपका फ़ोन अच्छा है, हाई डेफिनेशन है, रैम ज़्यादा है, प्रोसेसर अच्छा है, ठीक है, तो आप जो है फ्री फायर मैक्स बना के इसको खेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि अगर मैं कहूँ तो फ्री फायर इंडिया पे बैंड नहीं हुआ, तो आप अभी इस चीज़ को नोटिस करिए क्या फ्री फायर इंडिया पे बैंड हुआ है या नहीं। सिर्फ फ्री फायर जो अलग से था प्ले स्टोर पे, उसी फ्री फायर को गवर्नमेंट ने बैंड किया है। लेकिन उसी फ्री फायर को गरीना ने फ्री फायर मैक्स पे शिफ्ट कर दिया, तो फ्री फायर ऑब्वियसली बैंड नहीं हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।